हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IPL कंपनी के ऊपर। इसका पूरा नाम इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। इस कंपनी के आज के यहाँ पे मतलब बातें करें तो कल यहाँ पे इनका रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिजल्ट पे चलने से पहले अगर इस कंपनी के फ्राइडे के परफॉर्मेंस की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो रिस्पांस ले रही है, जो उम्मीद यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड, इनके रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पे रख रही है, उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हरे निशान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे पूरा पूरा हिंट दे रही है कि इनका जो रिजल्ट हम लोगों को आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोगों को अच्छा देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली रिजल्ट कैसा आया है तो चलिए अभी चलते हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर, उसके बाद ही हम लोग आगे की यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम सीधा रिजल्ट के ऊपर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बार का डाटा एंड यहाँ पे जून क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर क्वार्टर वन का डाटा एंड यहाँ पे लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का डाटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि जितने भी फिगर्स हैं वो सभी रुपीज़ इन मिलियंस में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं कि जो अक्षर है वो काफ़ी छोटे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इनकम की बातें करें तो आप इस बार का जो इनकम है दोस्तों वो हम आपको लिख करके यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि अक्षर काफ़ी छोटे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 1823 इस बार का हम लोगों को टोटल इनकम देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर 1740, लास्ट ईयर की बातें करें तो 2197। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ईयरली परफॉर्मेंस है इसका रेवेन्यू का, वो हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरा, क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो मामूली सी यहाँ पे, बहुत ही मामूली सी यहाँ पे बढ़त हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। इसको भी हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर भी हम लोगों को इसमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस के ऊपर, तो अगर इसके एक्सपेंसेस की बातें करें, इस बार की जो एक्सपेंसेस है वो है 1259। ठीक है, लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 1178 है, लास्ट ईयर की बातें करें तो 1544 है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को इनकम देखने को मिला है इस बार का कम था सेम मतलब ईयरली बेसिस पे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंसेस पे भी ईयरली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस है वो हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स कंपनियों की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन इसमें यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मल देखने को मिल रहा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्वार्टरली अगर बेसिस पे बातें करें तो वहाँ पे भी सेम हम लोगों को अच्छा ही देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी भले ही यहाँ पे रेवेन्यू इसका कम देखने को मिला, जो कि बैड खबर है हम लोगों के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस यहाँ पे कंट्रोल में है, ये अच्छी खबर यहाँ पे हम लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो आपको पता। ठीक है, चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे, मतलब सभी तरह के टैक्स देने के बाद, सभी तरह के एक्सेप्शनल आइटम हटाने के बाद जो प्रॉफिट है दोस्तों वो इस लाइन में है, तो इसको यहाँ पे हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो 421 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है, लास्ट क्वार्टर 420, लास्ट ईयर 4880 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फिगर है वो हम लोगों को काफ़ी धुतला है, तो 480 या 50 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। 50 भी अगर यहाँ पे पकड़ के चलेंगे 450, तो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर एक बुरी चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इनका जो परफॉर्मेंस है हम बोल सकते हैं कि फ्लैट ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। ओवरऑल इनके रिजल्ट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यह जो रिजल्ट है वो हम लोगों को ख़राब देखने को मिल जा रही है, जो कि आप लोगों के सामने प्रॉफिट यहाँ पे सामने ही पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देन EPS की भी बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे EPS भी आप देख सकते हैं 3.67 लास्ट क्वार्टर, 3.76 लास्ट ईयर, 4.31, तो EPS भी आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को डाउन ही देखने को मिल जा रही है। ओवरऑल इनका रिजल्ट जैसा कि मैंने बोला, हम
हम लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इनके रिजल्ट से रख रही थी, वो हम बोल सकते हैं वो जो हिंट यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो हम बोल सकते हैं कि खराब देखने को, मतलब गलत जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड दोस्तों, मंडे को आप लोग इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखिएगा, शायद से आप लोगों को इस कंपनी में एक गिरावट देखने को मिलेगी, बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का मात्र 4,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की ये कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कंपनी जब से आई हुई है तब से अगर इसके रिटर्न्स की भी बातें करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पे माइनस में ही बैठे हुए हैं। जब से ये आई है, मतलब जुलाई अभी तक का इसका परफॉर्मेंस की बातें करें तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं। सो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी वजह से शायद से यहाँ पे कंपनी में ये जो रैलियाँ हैं हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। बाकी कंपनियों की बातें करें तो धुआंधार तरीके से वो सभी यहाँ पे रैली उसमें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोगों ने अपने व्यू के हिसाब से इनके रिजल्ट को एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। मतलब अभी एक चीज़ यहाँ पे बाकी है कि मार्केट का व्यू यहाँ पे इसके रिजल्ट के ऊपर क्या था, वो चीज़ें भी कुछ हद तक डिपेंड करती है। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर इनका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला, जो कि हम लोगों को कल के दिन ही मालूम चलेगा, तो उनके हिसाब से अगर रिजल्ट उनके हिसाब से आया है तो इसमें आप लोगों को तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग मान के चलिएगा कि तेजी भले ही आप लोगों को मंडे को देखने को मिले या फिर गिरावट देखने को मिले, अगर तेजी देखने को मिलता है तो आप लोग फिक्स मान करके चलिएगा कि रिजल्ट जिस हिसाब से इसके हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे गिरावट जरूर आएगी। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, परसों नहीं आएगी तो नरसों आएगी, लेकिन गिरावट आप लोगों को देखने को मिलेगी जरूर। आप लोगों को मार्केट यहाँ पे छलावा दिखा सकता है, ठीक है, आपको ठग सकता है इसमें रैली दिखा करके, बाद में प्रॉफिट आपको देखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सो इस कंपनी में थोड़ा अलर्ट होकर के ही यहाँ पे आप लोग आगे ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। देन आगे अगर हम लोग बातें करें तो जिन लोगों के पास भी ये कंपनी है दोस्तों, तो आपने देखा कि इनके रिजल्ट्स खराब है, तो उसके बेसिस पे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे डिसीजन अपना ले सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे अवधि के लिए यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे अभी होल्ड करके चल सकते हैं। एंड इनके Q3 के अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, Q3 के रिजल्ट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उस पर आप लोगों की यहाँ पे नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इनका रिजल्ट अच्छा आया तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, अगर वहाँ पे भी अगर हम लोग बातें करें रिजल्ट खराब आते हुए देखने को मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पे एग्जिट करके चल सकते हैं। बिना सोचे समझे आप लोग वहाँ पे एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। देन जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगी तो फिर से आप लोग उस कंपनी में, इस कंपनी में कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा आएगा तब की बातें हैं। रिजल्ट अभी प्रेजेंट टाइम में आज का खराब है, Q3 अगर खराब आया तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे बातें चल रही है, ठीक है। सो दोस्तों देखा जाए तो इनके रिजल्ट से जितने भी चीज़ें थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।